लेकिन अगर मैं दिलीप को अफ्रीका भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुझे? दिलीप जो प्रॉफिट करके लाएगा उसका 2% ओनली। बाप का राज है क्या तुम्हारा? देखिए सर, बाप का राज फिलहाल तो है, लेकिन पैसे नहीं पहुंचे तो बाप गांव से बाहर हो जाएगा। नहीं दूंगा। क्या क्या कुछ मत बोलिए सर, आई एम गोइंग टू अफ्रीका एंड दैट्स फाइनल। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में नाइट हो। अरे नहीं से क्या पागल हो गया तू? अरे नहीं जरा कभी कभी गा लेता हूँ। चल चल सिगरेट निकल, चल। वो तो दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, शादी वादी के बारे में कुछ सोच रहे हो के लिए? अरे सोच रहा हूँ क्या, दिमाग में 24 घंटा शादी का ही ख्याल आते रहता है। मैंने पहले तुमको बताया था क्या कि हमारे मोहल्ले में बहुत खूबसूरत लड़की रहती है। सक्कू भाई का नाम लेगा ना? सक्कू भाई ऐसा पंच मारूंगा मैं, दांत तोड़ूंगा तेरे। सक्कू भाई नहीं, उसकी तो गई, शादी हो गई। अच्छा, उसकी छोटी बहन गंगू भाई वो बड़ी हो गई। इधर ही आती चार माले पे बर्तन घसते, बर्तन घसती है, झाड़ू लगाती है, वो करती है, कपड़ा धोती है। अरे ईमानदार काम, ईमानदार। अरे सक्कू भाई से शादी क्या किया इसने? अरे एंडी भाई अभी क्या बताऊं, विनय के बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ कि इसकी शादी हो जाए, इसका जीवन बसे, उसको बच्चे हो जाए, अच्छा सोचता हूँ। और मम्मी का नाम क्या हो? गंगू भाई। मम्मी का नाम गंगू भाई। अबे मारूंगा तुझे मैं अभी, मेरी शादी का जिक्र करके दिमाग मत सटका मेरा। एक बड़े क्या बहुत रिश्ता लगा रहा है तू सबका, खुद की तो शादी 3 बार टूट चुकी है। वापस सक्कू भाई का नाम लिया इसने। अरे सक्कू भाई नहीं भाई, सक्कू की छोटी बहन गंगू भाई। तेरी तो, तू भी चुप बैठ, समझा ना। एक मिनट, तू इतना गुस्से में क्यों है? अरे यार, एक तो ये दिमाग सटका रहा है, ऊपर से गांव से बाबा का बार बार फोन आ रहा है, उन्होंने वो 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था मेरी शादी के लिए। हाँ? अब बोल रहे कि तू चुका। अब मैं कैसे चुकाऊंगा यार, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर से वो टकले वाला लोन भी नहीं दे रहा है। टकला वो जाड़िया, तू जाड़िया, तेरा अंकल। ए मेरा अंकल, तू जाड़िया बोल रहा, फोड़ूंगा तेरे को। ओके ओके ठीक है, अभी मैं तेरे को हेल्प करने वाला था ना, अभी मैं करने नहीं वाला। ओके, तेरे जो आदरणीय अंकल है ना, ऐसा बोल, ऐसा बोल। ओके, वो लोन देने से इनकार कर रहे हैं। 5 लाख है ना? हाँ यार, कहाँ से लाऊंगा यार 5 लाख, मैं करके देता हूँ, झोल, डोंट वरी। पक्का रे, तेरा अफ्रीका के टाइम पे सेटिंग किया था ना, इस बार भी करके देता हूँ। ये भाई तू सच बोल रहा है, फेंक रहा है? लाइफ में मैं बहुत कम टाइम सीरियस होता हूँ, इस बार आई एम एक्सट्रीमली सीरियस। आज मत होश हुआ जाए रे, मेरा मन शरारत करने को ललचाए रे। घर पे जब भीड़ नहीं रहती है ना, तब कितना शांत लगता है घर। ना दिलीप है, ना एंडी है, वो पड़ोसी नहीं है, टीर 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 नहीं है, टीर 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 है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिले, चलो ना मुझे ऑफिस छोड़ दो ना। मैं क्या वो रिक्शा वाला हूँ क्या? ऑटो रिक्शा की स्ट्राइक है, इसलिए रिक्वेस्ट करिए, चलो ना बाइक पे छोड़ दो ना। क्या होती है स्ट्राइक है? तू भी ऑफिस में जाना, स्ट्राइक कर, तू बैठ यहाँ पे, गाना गाते। ऑफिस नहीं गई तो काम खराब हो जाएगा, ऑफिस जाएगी तो काम डबल खराब होगा। अच्छी बोल रहा हूँ मैं, पता है हम लोग मैनेज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं ना ऑफिस तो काम की और वाट लगा देते हैं। मेरा भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, थैंक गुडनेस, ये सुन ना, थैंक गुडनेस मिली और मिसेज मेरा काम नहीं करती, सोसाइटी में आ, 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 करती वही। बहुत हो गया, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? ए, मजाक नहीं है, बहुत सीरियसली कह रहा हूँ। I think you're sick. If I'm sick, then why did you come here? मेरे को आराम करने देना, जाना। मुझे तुम्हारी नक नहीं चाहिए, बाहर में जाओ। अच्छा अच्छा सुन सुन सुन, मैं लिफ्ट देता हूँ, वो पेट्रोल के पैसे देगी। लिफ्ट नहीं चाहिए। शुभ मंगल सावधान। अरे नालायक, हलकट, बेशरम, गधे की औलाद। शांत रहा बाबा, शांत रहा भाई, शांति देवा, जल्दी चेक भेज दे, वरना ये गांव वाले मुझे उल्टा लटका देंगे। अरे मैं भेज रहा हूँ ना बाबा, 5 लाख रुपए की अमाउंट है, 5 हजार की नहीं है, जो मैं अभी के अभी आपको भेज दूँ। जरा रुकिए 2-3 दिन, मैं तो कहता हूँ गांव वालों से इतना डर है ना, तो आप घर के बाहर ही मत निकलिए ना 2-3 दिन, मेरा कुरियर आ जाएगा। जल्दी कर, देख जल्दी अगर चेक आया नहीं ना तो मैं खुद बम्बई आ जाऊंगा। हाँ नहीं नहीं आप, अरे यार कमाल कर रहे हैं आप, रुकिए ना, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। रख भगवान, क्या होगा यार? क्या हो गया रे विनय? अरे गाँव तेरी तो क्या तू
वो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करने वाला था ना। अरे हाँ। क्या यार ऐसे मत कर यार, बाबा का गांव से फोन आया, बोल रहे कि सारे कर्जदार जो है ना वो उन्होंने फाइनली पकड़ के उनके हाथ पे लिखने वाले हैं। क्या आपका बेटा फ्रॉड है, ऊपर से डर के मारे वो अभी यहाँ आने वाले रहने। अरे कर यार आंटी कुछ तो कर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा। विनय डर मत दोस्त, ये ले ये खोल के देख, दिल खुश हो जाएगा। अरे यार तू डर मत, देख देख तो सही। 5, 1, 2, 3, 4, 5 अरे 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 5 लाख यस 5 लाख का चेक मैं लेकर आया हूँ तेरे लिए दोस्त। ए देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। मेरे पास बस 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 ग्रेट है, पता ये इतने पैसे तू कहाँ से लाया है? विनय यू ओनली ईट मैंगोज, नेवर काउंट ट्रीज। यस तू ग्रेट है, तू धन्य है, आज से मैं जिंदगी भर के लिए तेरा गुलाम हो गया। अरे पागल बस क्या क्या करूँ बोल, तू सिर्फ तू बाबा को फोन कर, बाबा को फोन, हाँ बाबा को फोन करके बोलता हूँ कि एंडी एंडी की वजह से ये प्रॉब्लम हल होगी। नहीं नहीं ये नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, बड़प्पन इस इंसान सच्ची यार तू कमाल का है यार, एंडी तू ग्रेट है। विनय एक सिगरेट लू क्या? पूरा पागल पूछता है, पूरा पैकेट रखे। थैंक यू, नहीं क्या है ना किसी की भी चीज लो तो पूछ के लेना चाहिए। बाबा टेंशन छोड़ा, टेंशन छोड़ा बाबा, आप अब आंखें बंद करके पूरे गांव को ना आप चेक दे दो। दे दो नहीं क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में है 5 लाख रुपए का चेक। यस खुश हो गए आप तो, टेंशन नहीं है जी ये सब हाँ हो गया बस हो गया। अच्छा जी एंडी दादा दादा एंडी दादा ऐसे शर्मिंदा कर रहा है यार, बात है यार तू ग्रेट है, तू ग्रेट है सच्ची यार। मुझे आज तक लगता था कि दिलीप ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन नहीं आई एम रॉन्ग, एंडी इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई फील फॉर यू यार। अरे सच्ची यार मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं अभी के अभी जाता हूँ और ये चेक कुरियर करता हूँ बाबा। हाँ, हाँ? हाँ, तू जा रहा है ना तो मेरे लिए थोड़ा नाश्ता भी लेकर आना, भूख लगी है यार। नाश्ता नाश्ता? अरे 7 course meal अब लाता हूँ मैं तेरे लिए। 7 course meal नहीं मैं नहीं देखता, क्या गाना भी है। मिली तेरी शॉपिंग होने के बाद मेरे ऑफिस के बाजू में जो कॉफी शॉप है ना वहाँ मिलेंगे, लंच साथ में करेंगे। ओके सुनना, ऑफिस जाते जाते मुझे तुम मार्केट ड्रॉप करती हुई जाना। मार्केट उधर है, मेरा ऑफिस उधर, मैं कैसे छोड़ तुझे? हाय गर्ल पुई ओ गरम बाय द वे कहाँ जा रही हैं आप? ऑफिस। अच्छा आपने भी वहाँ पे नौकरी पकड़ ली है? नहीं नहीं मैं तो मार्केट जा रही शॉपिंग के लिए। मार्केट जा रही है तो चल मैं ड्रॉप करता हूँ। चल मैं तुझे मार्केट ड्रॉप करती हूँ। लेकिन अभी तो तूने कहा था जूस की तेरा ऑफिस इधर है मार्केट उधर है। ऐसे वैसे लोगों के साथ जाने से अच्छा मैं इधर उधर जाऊँ। ऐसे वैसे लोगों का क्या मतलब है? मैं क्या तुम्हें ऐसा वैसा दिखता हूँ? भाई हो गई गलती मुझसे, मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। लिली इधर आ। मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहती जिनको दूसरों की फीलिंग की कोई कदर नहीं है। क्या किया मैंने? मैंने कुछ किया? हाँ किया आपने। पहले जूलिया से प्यार करती थी उसका दिल तोड़ा, फिर मरिया से प्यार करती थी मरिया का दिल तोड़ा, बहुत दिल तोड़ते हैं आप। अरे तो कहाँ पहुँच गई मिली, चल ना हाँ चल पाया। अच्छा भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जी जी आपको क्या चाहिए? ऊंट विद रेगिस्तान या विदाउट रेगिस्तान? अच्छा विदाउट रेगिस्तान कब मिल जाएगा? एक मिनट आपका एड्रेस लिखवा दीजिए। ओके ओके हाँ समझ गए ओके बाय। आज टाइम बहुत हो गया मेरे को मिलना है। A to Z सप्लाई, हम पिन से प्लेन तक सबको सप्लाई करते हैं। माफी चाहिए प्लीज जूली, मुझे माफ कर दो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने के? How dare you? तुम समझते क्या अपने आप को? देखो मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, यहाँ पे कॉल मत करना। सर आप कहाँ जा रही हो? सर मुझे थोड़ा काम है। पगार यहाँ पर लेती हो और काम कहीं और करती हो? सर वो क्या है ना कि थोड़ा पर्सनल काम है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ना, कभी तो सुना करूँ। तो प्लीज ना। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर कब मिलोगे? क्या फिर कब आ रही हो वापस? काम वाम बहुत होता है और फोन वोन भी बहुत। यूं गई और यूं आई, बस इतना सा काम है। मैं भी चलता हूँ साथ में। यूं नहीं, 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 अगर आप साथ चलोगे तो ऑफिस का काम कौन संभालेगा? बहुत काम है। सुनिए तो शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। मेहरा जरा धीरे चलो, आज बहुत मजा आएगा। आएगा आएगा सर। सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल। सर पे टोपी लाल, हाथ। प्लीज सर मुझे पता है आप खानदानी सिंगर है, लेकिन प्लीज अभी गाना मत गाइए, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरा तुम काम कैसे करोगी? मैं कुछ समझा नहीं। सर समझने की कोशिश भी मत कीजिए, वो मेरी बहन है ना, वो मेरा वेट करिए। I'm getting late. मिली अबे जूली, 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 अब मुझे माफ किया तुमने? Please I'm sorry. विनय, this is too much. Just shut up. अरे कमाल कर रही हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत बुके लाया हूँ। विनय this is too much. देखो मुझ पे ना सही, लेकिन कम से कम इन फूलों पे तो तरस खाओ। ओ भाई फूल क्यों खा रहे हो? देखो ये जो फूल है ना, वो तुम्हारे घर के फ्लावर वास पे सजने के लिए बेताब हैं। जब हम जमा होंगे। वैसे मैं बुड्ढे हो जाओगे, रुको जरा बात कर रहा हूँ ना। आप गाना बंद कीजिए और इस गिरे हुए इंसान को सबक सिखाइए। इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। देखो बेटा जिंदगी के भागदौड़ में मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है जब मैं बैठूं और सोचूं एक कच्चे अंडे। पहले ओके कच्चे अंडे दूंगा, एक तो गिर जाएगा सड़क पर और फूटेगा फटाक करके, और सड़क इतनी गर्म है कि बन जाएगा तेरा ऑमलेट। सुपर क्या बात है, कच्चा अंडा सड़क पे गिर के ऑमलेट क्योंकि सड़क गर्म है। वेरी गुड, व्हाट अ थॉट। ये तो अंडों में काना राजा है। कौन है? कौन ये? ये मेरे बॉस है। बॉस? अरे नाइस मीटिंग यू, मायसेल्फ विनय वानरवेड़ा। कन्हैया कपूर। के बीबी। सर इसने आपको कच्चा अंडा कहा? कच्चा कच्चा अंडा, कच्चा अंडा, के की जगह के ए। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यू ना आंखें दिख। आई शो यू, कौन है, कौन ये? शट अप, ये मेरे बॉस हैं। ये पागल के पास तुम क्यों काम कर रहे हो? एनीवे इसे मारो गोली। तुम बताओ तुमने मुझे माफ किया कि नहीं? विनय यू आर एम्बैरेसिंग। देखो जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, मैं यहाँ सड़क पर मुर्गा बने बैठूंगा। बोलो तुम्हें जो करना है करो, मरो सड़ो मैं जाने। ठीक है ठीक है, नाउ यू आर एम्बैरेसिंग मी, मुर्गा बनता हूँ मैं। देखो डर गए? क्या है? नहीं डर गए? जूली मेरा क्यों फायदा? कितनी देर हो गई है, जूली की बच्ची लंच के लिए बोला था या डिनर के लिए? तो लंच क्यों हुई थी? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं उसका फोन मस कॉल। माफ कीजिएगा आप हमारी नजरों के डायरी में नहीं आए। डायरी? दायरे में नहीं आए। और एक खूबसूरत सी दुर्घटना हो गई। माफ कीजिएगा, दरअसल गलती मुझसे हो गई, मैं कुछ जल्दबाजी में थी। आई एम सॉरी। बेरुखी का क्या गिला उनसे, हमने किस्मत भी कुछ ऐसी पाई। आप शायर लगते हैं।
शायर कम पेंटर, एम एफ तानसेन। आपका नाम काफी सुना सुना सा लगता है। सुना सुना सा? सुना सुना सा, I mean familiar. वैसे मेरा नाम मिली मेहरा है। मिली मेहरा जी, कुछ बन रहा है जी? आप मिली, हमारी किस्मत मेहरबान हो गई। आप हंसती है तो बसंत बाहर खिलती है जी। वैसे कॉफी यहाँ भी मिलती है। सर आपने मुझे बुलाया? विनू डियर, मैंने नहीं बुलाया, मेरा दिल ने बुलाया। नो टचिंग सर, नो टचिंग, दूर से बात कीजिए और जल्दी बोलिए क्या काम है। हाय हाय, इतने उखरे उखरे हो। आई नो व्हाई, आई नो व्हाई, आई नो। मैंने तुम्हारा 5 लाख का लोन पास नहीं किया इसकी वजह से ना। डोंट वरी, मैं प्रॉमिस देता हूँ कि मैंने 10 लाख का पास कर दिया है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर आपके पैसे। आपके मुझे भीख दे रहे? कल याद कीजिए सर, मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं गिड़गिड़ा रहा था आपके सामने कि मेरे बाबा लूट जाएंगे। लूट जाने दो, दमन में जाके तुम लव लपाटा किया। अभी आप बड़े दानवीर दानवीर कांड बन रहे हैं आप। सॉरी, क्या अभी क्या है कि टॉकिंग वॉकिंग फॉरगेटिंग? नो, नहीं जो बोलियो चालियो माफ, भूल जाओ। भूल जाओ, मैं नहीं भूलने वाला सर, मैं नहीं भूलने वाला। And for your kind information, पैसों का इंतजाम विनय वानरवेड़ा ने कर लिया। इतने सब पैसों को इतना थोड़ा टाइम में बंदोबस्त कर दिया? Vigu, darling, tell me, तुमने बैंक बैंक तो नहीं लूटा? सर, सर मेरा नाम क्या है? विनय, विनय वानरवेड़ा। मुंबई में ना अपनी क्रेडिट चलती है, क्रेडिट। लोग है ना मेरे सामने ऐसे पैसे फेंकते हैं। क्या बात है? नहीं, पैसे फेंकते मतलब पैसे दे जाते हैं। मेरे एक इशारे पर मैंने सिर्फ आवाज लगाई ना तो यूं पैसे आके मेरे झोली में गिरते हैं। सर मुंबई में ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरे एक इशारे पर जान न्योछावर करने के लिए तैयार है। मुझे नहीं चाहिए आपका एहसान, मैं आपके पैसे पे। विनय, बैठ 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 बगले, बैठ बैठ। क्या मैं सुन रहा हूँ? अंकल तुझे 5 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। क्या तूने लिया कि नहीं? फिर क्यों लूं मैं? जब मुझे जरूरत थी तब तो उन्होंने मुझे ठेंगा दिखाया, अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मुझे बोल रहे विनय माय डियरेस्ट, माय नियरेस्ट, मेरे पास आओ। उनके पास भी नहीं जाना, उनका पैसा भी नहीं चाहिए मुझे। देख बेटा, पहले तो धीरे बोल और सुन। तू कब पैसों के मामले में मैच्योर होगा रे? हाँ, टिड़ेगा है ना। देख मैं तुझे समझा जाऊं, जब भी कोई किसी भी वजह से तुझे पैसे देना ले लेना चाहिए, कभी मना नहीं करना, नेवर। लेकिन एंडी, मैं क्यों लूं पैसे? क्या है कि जब तेरे जैसा महान दोस्त यहाँ घर में मुझे चुटकी बजाते हेल्प करने के लिए तैयार है, मेरे सामने 5 लाख रुपए यू खड़े कर सकता है, तो मैं क्यों लूं बाहर से पैसे? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। अरे पगले, तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है अब। नहीं यार एंडी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता यार। इनफैक्ट मेरी तो औकात भी नहीं है तेरे साथ बैठने की, मैं तो नीचे बैठता हूँ जाके। इधर बैठ चुपचाप, क्या कर रहा है तू? ये पागल हो गया तू? हाँ, आई एम योर फ्रेंड यार। देख, ये तो मेरा फर्ज बनता है। नहीं, a friend in need is a friend indeed, समझा? ये कहावत भी है ना तुझे ही आंखों के सामने रख के लिखी गई हो। बस अभी बस, हाँ जनाब। क्या यार, मेरे पास वाकई में शब्द नहीं है। अगर बस चले ना तो मैं रात भर गुणगान करते रहो कि एंडी। हेलो, अरे हेलो के बच्चे, नालायक हलकट हराम खोर। एंडी वो ले, तेरा फोन है। हेलो, सॉरी सॉरी। हेलो, तुझे तुझे बेटा कहते हुए शर्म आती है मुझे? बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे जेल जाना पड़ेगा अभी। अच्छा, ऐसा क्या काम किया आपने कि आपको जेल में भेज रहे? अरे तेरी वजह से मुझे गांव वाले जेल भेजेंगे। एक मिनट, मैंने क्या किया? वो 5 लाख रुपए मिले ना आपको? हाँ भेजा था, भेजा था, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया और उसके वजह से सब गांव वालों के चेक भी बाउंस हो गए। अभी 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 तू 5 लाख नहीं, 10 लाख भेज। 10 लाख? हाँ हाँ 10 लाख, वो भी असली। रख अभी। मैं
दी आज गाऊं तुम्हें अंडे का बंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। क्या बे मार क्यों रहा है मुझे? मार क्यों रहा है? अरे जी करता है तुझे जान से मार दो, तेरा खून कर दूं मैं। मार करता है यार, मैंने क्या किया? तूने क्या किया? अबे 5 लाख रुपए का जो तूने वो चेक दिया ना, अबे वो बाउंस हो गया। और उस चक्कर में मेरे बापू ने जो गांव वालों को चेक इशू किए थे ना, वो सारे बाउंस हो गए। अरे उनके चेक बाउंस हुए तो साथ साथ में मेरा भी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अबे कौन सी बड़ी बात है, तेरे पास पैसे नहीं थे? हाँ नहीं थे ना तो चेक इशू करने की जरूरत क्या थी? विनय शांत हो जाए, तू कितना रो रहा था, तू कितना परेशान था पैसों को लेकर, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था इसलिए तुझे खुश करने के लिए मैंने एक 5 लाख का चेक दे दिया। वाह वाह मेरे भाई, वाह थैंक यू। प्यार देखते ना, मतलब बच्चों को खिलौना देते ना, वैसा चेक दिया ताकि बच्चा जो है वो खुश हो जाए नाचे। तो मैं उस चक्कर में गांव वाला मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे, वो कहां से दूंगा मैं? डोंट वरी विनय, मैं 10 लाख का एक और चेक तुझे दे दूंगा। 10 लाख का चेक देगा? यू डोंट वरी। सच्ची देगा? तू फिक्र मत कर यार, मैं हूं ना यार। मेरा ना दोस्त है, तेरी दोस्ती के नाम।